जाम मेरा तौबा शिकन, पढ़ा होगा ये, मैंने लिखा था। जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन। सामने ढेर हैं टूटे हुए पैमाने। एक शख्स है, जैसे मैंने कहा तौबा टूट जाए फिर तौबा कर लें। ये जो शराब है लोगों को लत पड़ जाती है, कहता है कि मैं अब नहीं पीऊंगा। जाम मेरा तौबा शिकन, तोड़ देती है मेरी तौबा, तोड़ देती है। जाम जो है, जो शराब है, वो मेरी तौबा तोड़ देती है। मैं तौबा करता हूं कि दीदा, फिर टूट जाती तौबा। तौबा मेरी जाम शिकन, तौबा, तौबा के अंदर ऐसी ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि एक मौका ऐसा आता है, तौबा करता रहता है, अल्लाह से माफी मांगता रहता है, निदामत के आंसू बहाते रहता है। तो तौबा मेरी जाम शिकन, जब तौबा होती है तो जाम टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, मैं स्टॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो तौबा का दरवाज़ा अल्लाह के यहाँ खुला हुआ है। और फिर एक मौका ऐसा आता है कि ये जाम के जो पैमाने हैं या जो वादा है, वादा अल्लाह से किया है, वो सामने पड़े होते हैं, वादा अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला हमें तौबा की बार बार तौफीक अता फरमाए। आज एक पैगाम बस सिर्फ यही बात अर्ज करना है कि किसी किसी नेकी को हकीर मत समझो। अगर छोटी नेकी कर रहे हो, आप अपनी नज़र के अंदर छोटी होगी, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी है। और किसी इंसान को अपने से कमतर ना समझो। हर इंसान किसी वक्त काया बदल जाए और अल्लाह से तौबा कर ले और वो इस्लाम में आ जाए, तो किसी इंसान को कमतर छोटा ना समझो, हर एक की इज्जत करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमली जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए। www.darsequran.com